नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग डेली करंट न्यूज के संदर्भ में आज का क्या टॉपिक है उस पर चर्चा किया जाए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रकरण यह है कि अभी हाल ही में भारत के जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, ठीक है, जो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, इनको जो है फिजी जो एक देश है, ठीक है, प्रशांत महासागर में है, फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। ठीक है, फिजी से सम्मानित किया गया है, जो भारत फिजी के मजबूत संबंधों को मान्यता देता है। भारत और फिजी देश के संबंधों को मान्यता देता है। यह सम्मान उन्हें द्वीप राष्ट्र की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान मिला है, जो पहली बार किसी भारतीय राष्ट्रपति द्वारा फिजी की यात्रा का प्रतीक है। पहली बार किसी भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा फिजी देश की यात्रा का प्रतीक है, उन्हें जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं फिजी के बारे में। फिजी के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे यह जो है फिजी, यह जो एक द्वीपीय देश है, एक द्वीप है। फिजी क्या है? एक द्वीप है, उस पर बसा हुआ एक देश है, जो कि पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर में है। ठीक है, आप देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में है ये, आप ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में ही, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में एक जो द्वीप है फिजी द्वीप है, यहीं पे जो है आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हुआ था, वहाँ पे गई थी पहली इनकी राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति का यात्रा था। इस प्रकार उन्हें जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया वहाँ का। ठीक है, ये फिजी द्वीप के बारे में था। तो इस प्रकार यह प्रकरण रहा। दूसरी बात क्या है जो इंपॉर्टेंट है कि वहां पे जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची तो इन्होंने विशेषकर वहां पे जो प्रवासी भारतीय हैं, विशेषकर जो गिरमिटिया मजदूरों के योगदान की सराहना की तथा प्रवासी भारतीय समुदाय के महत्व पर भी बल दिया। इनका जो विचारधारा था वहां पे, जो प्रवासी भारतीय थे, जो वहां पे गिरमिटिया, विशेषकर गिरमिटिया मजदूर जो है थे, उनके योगदान की सराहना की। ठीक है, और उनके महत्व पर बल भी दिया। ठीक है, देखिए फिजी के बारे में भी आपको हमने बताया है कि ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, एक द्वीपीय देश है, स्थित एक देश और द्वीप समूह है। फिजी क्या है? दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित, जो हमने मैप आपको दिखाया है, प्रशांत महासागर में स्थित एक देश और द्वीप समूह है। यह न्यूजीलैंड के ऑकलैंड के उत्तर में है, जो कोरोम सागर से घिरा हुआ है। आपको भी हमने न्यूजीलैंड दिखाया है, उसके उत्तर में जो है, ऑकलैंड के उत्तर में कोरोम सागर से घिरा हुआ है। इसमें 300 से ज्यादा द्वीप हैं, जो फिजी है इसमें 300 से ज्यादा द्वीप हैं। ठीक है, 300 ज्यादा द्वीप है, जिनमें से सिर्फ 100 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। ठीक है, 100 द्वीपों पर रहते हैं, और यहाँ अधिक जो है प्रवाल भित्तियां हैं, प्रवालों से संबंधित द्वीप हैं। ठीक है, इस द्वीप पे प्रवालों से ही संबंधित द्वीप है, प्रवाल भित्तियां अधिक हैं। ठीक है, और यहाँ की आर्थिक रूप से अगर यदि बात किया जाए तो गन्ना कई वर्षों तक फिजी का प्रमुख आर्थिक प्रेरक रहा है। गन्ना जो है फिजी का प्रमुख रूप से आर्थिक प्रेरक रहा है। ठीक है, आर्थिक प्रेरक रहा है। इस प्रकार फिजी एक संसदीय लोकतंत्र है, इसकी आबादी में स्वदेशी, फिजी, भारतीय, यूरोपीय और अन्य जाति समूहों का मिश्रण है। ठीक है, इस बारे में थोड़ा सा आपको, और इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजी के दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्री शिव सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर स्थित है। सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर स्थित है। ठीक है, फिजी में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्री शिव सुब्रमण्य स्वामी मंदिर स्थित है।
ठीक है, ये भी जानकारी के लिए आप रखिएगा। ठीक है, फिजी के बारे में आपको हमने बताया है। और थोड़ा सा न्यूज है बाघों के मृत्यु के बारे में, थोड़ा सा चर्चा में है, जो पर्यावरण में पारिस्थितिकी जैव विविधता का टॉपिक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है चर्चा का विषय, चर्चा का विषय क्या रहा उसे भी जानते हैं। देखिए क्या है, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और शहडोल वन सर्कल में वर्ष 2021 और 2023 के बीच 43 बाघों की मृत्यु पर एक विशेष जांच दल, जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी की रिपोर्ट में भारत में वन जीव संरक्षण उपायों की प्रभावशीलता के बारे में थोड़ा सा चिंताएं व्यक्त किया गया है। तो इसलिए खबर जो है द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज में था, जो बहुत ही चर्चा का विषय है। ठीक है, रिपोर्ट में बताया गया कि जांच में गंभीर खामियों, अपर्याप्त साक्ष्य संग्रह तथा बाघ संरक्षण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों में जवाबदेही की कमी पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और अपर्याप्त साक्ष्य संग्रह है, गंभीर खामियां हैं, ठीक है, तो प्रकाश डाला गया है। बाघों में, भारत में बाघों की जो मृत्यु दर है, ठीक है, आप देखेंगे कि जो एक डेटा है यह बढ़ ही रहा है। इसमें क्या है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकार जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, एनटीसीए, ने हाल के वर्षों में बाघों की मृत्यु में वृद्धि की प्रवृत्ति की सूचना दी है। ठीक है, और इस प्रकार जो है आप देखेंगे कि भारत में वर्ष 2024 के बीच कुल 628 बाघों की मृत्यु हुआ है। एनटीसीए ने जो आंकड़ा दिया है कि भारत में वर्ष 2019 से 2024 के बीच कुल 628 बाघों की मौत हुई है, मृत्यु हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा न्यूज था। थोड़ा सा ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है उसके बारे में भी देखते हैं, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज कर दिया जाए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में विंध्य पहाड़ियों के भीतर स्थित है। जो विंध्यन पहाड़ियां हैं, तो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में विंध्यन पहाड़ियों के भीतर स्थित है। इस पार्क में तीन अलग अलग क्षेत्र शामिल है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, पंपाथा वन्य जीव अभ्यारण है जो कोर एरिया में पड़ता है, और उमरिया, शहडोल और कटनी जिलों में फैले आसपास के अनुसूचित बफर एरिया भी है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में पड़ता है, जो विंध्यन पहाड़ियों के भीतर है। कहाँ पे है, विंध्यन पहाड़ियों के भीतर है। इस पार्क में तीन अलग अलग क्षेत्र भी है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, पंपाथा वन्य जीव अभ्यारण है। जो फैक्चुअल डेटा है आपको जानकारी रखना चाहिए। ठीक है, इसे जो है आप ध्यान रखिए कि इसे वर्ष 1900, इसे इरेज कर दिया जाए, इसे जो है वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान और वर्ष 1993 में, ये जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान और 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर नेटवर्क के तहत, अभ्यारण्य के साथ एक बाघ अभ्यारण्य भी घोषित किया गया था। 1968 में राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, उसके बाद 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर नेटवर्क के तहत जो है इसे पनपथा अभ्यारण्य के साथ एक बाघ अभ्यारण्य भी घोषित किया गया था। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी जानकारी के रूप में ध्यान रखिए कि यहां पाई जाने वाली वन्य जीव प्रजातियां क्या क्या हैं। ठीक है, यहां पाई जाने वाली वन्य जीव प्रजातियों में खास करके बाघ है, तेंदुआ है, ढोल है, ठीक है, या बंगा, या जो है ऐसे भारतीय लोमड़ी है, स्लोथ वेयर है, ठीक है, तमाम सारे एनिमल पाए जाते हैं। भारतीय जंगली कुत्ता भी इसमें जो है पाया जाता है, इस अभ्यारण्य में और राष्ट्रीय उद्यान में। थोड़ा सा चर्चा हम लोग करते हैं कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए क्या है।
हम लोग चर्चा करते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA क्या है? देखिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो NTCA है, यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। इसकी स्थापना वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की अनुशंसाओं के साथ की गई थी। इसकी जो स्थापना है वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की अनुशंसाओं के साथ की गई थी। बाघ संरक्षण के सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2006 में संशोधित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे गठित किया गया था। यह जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA है, यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की अनुशंसा के आधार पर किया गया था। यह बाघ संरक्षण के सशक्तिकरण के लिए बना है कि जो 2006 में जो संशोधित हुआ था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसे सक्षम किया गया, इसके प्रावधानों के तहत भी इसका स्थापना किया गया, गठित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, यह भी ध्यान रखिए, उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, यह भी ध्यान रखिए। इसका उद्देश्य प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक अधिकार प्रदान करना, इसका उद्देश्य है जो प्रोजेक्ट टाइगर है बाघों के लिए, ठीक है, प्रदान करना ताकि इसके निर्देशों का कानूनी तौर पर अनुपालन हो सके। हमारे संघीय ढांचे के भीतर राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन के लिए आधार प्रदान करके टाइगर रिजर्व के प्रबंधन में केंद्र राज्य की जवाबदेही को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है। टाइगर रिजर्व के प्रबंधन में केंद्र राज्य की जवाबदेही को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है और संसद द्वारा निगरानी सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है, ठीक है। और टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की आजीविका संबंधी हितों को भी संबोधित करना इसका उद्देश्य रहा है, ठीक है।